नमस्कार दोस्तों, BLS LLB और BA LLB के लॉजिक 1 के इस नए लेक्चर में मैंने आपका स्वागत किया है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशन और प्रपोजिशन। दोस्तों, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, अपोजिशन और प्रपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नॉर्मली 12 मार्क्स के लिए आता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको खास करके डायग्राम्स वाले सेक्शन तो स्लाइड बाय स्लाइड देखने ही पड़ेंगे। इसमें टोटल 5 डायग्राम्स है और पांचों के पांचों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 5 डायग्राम्स का मतलब इसमें 5 कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स में या तो 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है या आपको ये एग्जाम में श्योर शॉट 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और मुझे एक कॉमेंट में पूछा गया था कि इंडक्शन पे लेक्चर बनाइए, तो इंडक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अपोजिशन और प्रपोजिशन, इसलिए मैंने अपोजिशन और प्रपोजिशन के ऊपर ये लेक्चर्स बनाया है। लेकिन इंडक्शन पे भी लेक्चर आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर मोर। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशन और प्रपोजिशन से। ये आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी होगा और अपोजिशन और प्रपोजिशन का डेफिनेशन भी होगा। सो अपोजिशन ऑफ प्रपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज स्क्वेयर ऑफ अपोजिशन और रिलेशन बिटवीन द प्रपोजिशन। It is a kind of immediate inference. The relation between the two propositions having same subject and predicate but different quality and quantity is known as opposition of proposition. अभी जैसे कि मेरा क्वालिटी और क्वान्टिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, आपका भी एग्जाम में कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके देखिए, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए एग्जामिनर्स आपको स्टेटमेंट्स में कन्फ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन तो डालते ही डालते हैं। सो अपोजिशन और प्रपोजिशन दो प्रपोजिशन के बीच का एक रिलेशन होता है और वो इमीडिएट इन्फरेंस का एक पार्ट है। तो इमीडिएट इन्फरेंस आपको अगर पता नहीं है तो मेरा पिछला लेक्चर प्लीज़ देखिए। There are 4 kinds of opposition of proposition: contradictory, contrary, subcontrary और subaltern। और ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे square of opposition। ये बहुत ही important डायग्राम है, आपको 5 मार्क्स के लिए ये पूरा सेक्शन शॉर्ट नोट्स के तौर पे पूछा जा सकता है। आपको ये पहले जो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन वो एक्सप्लेन करना है और इसके 4 कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन अगर आपको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करेंगे तो आपका 5 मार्क्स का कंटेंट बन जाएगा। और ये डायग्राम को भी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन में ए प्रपोजिशन ओ प्रपोजिशंस के साथ चेंज हो जाते हैं। ये डायगोनल देखिए, ए टू ओ कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा और ई टू आई ये डायगोनल भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस का रहेगा। अभी ए टू ई ये कॉन्ट्ररी अपोजिशन होता है और ए टू आई और ई टू ओ ये सब अल्टर्न अपोजिशन के डायगोनल्स होते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो ये पूरा डायग्राम है उसको हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर के लिए। अभी मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन से। The relation between two propositions having same subject and predicate but different quality and quantity is known as contradictory opposition. Abhi contradictory opposition mein inference cannot be both true and both false at the same time. Agar ek inference true rahega to dusra inference false rahega. Ye bahut hi standard si cheez hai, lekin normal grammar mein both true and both false नहीं हो सकते, लेकिन लॉजिक में कुछ भी हो सकता है। लॉजिक में दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकते हैं, जिसका आंसर आपको अगली स्लाइड्स में भी मिलेगा। अभी ध्यान रखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन में ए प्रपोजिशन ओ प्रपोजिशंस में चेंज होता है, जैसे कि आप ऊपर वाले डायगोनल में देख सकते हैं, ए प्रपोजिशन ओ प्रपोजिशन में चेंज होता है और ई प्रपोजिशन जो है वो आई प्रपोजिशन में चेंज होता है। अब मैं अपोजिशन और प्रपोजिशन के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा, जिसका नाम है कॉन्ट्ररी अपोजिशन। तो कॉन्ट्ररी अपोजिशन में ए प्रपोजिशन जो है वो ई प्रपोजिशन में कन्वर्ट होता है। तो ए और ई दोनों यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, तो इसलिए वर्डिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस
having same subject and predicate, same quantity but different quality is known as contrary opposition. Quality इसमें different है, quantity, subject और predicate दोनों ही same है. In contrary proposition, inference can be both false at the same time, but it cannot be both true together. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि normal logic में या फिर normal grammar में both true और both false statement हो नहीं सकते, लेकिन इसी slide में आपको answer मिल गया कि logic में कुछ भी हो सकता है, दोनों statement false हो सकते हैं, दोनों statement true भी हो सकते हैं. तो in contrary proposition, A proposition changes to E proposition. इसके साथ ही मैं आपको अगले propositions का answer बताता हूँ, जिसका नाम है sub contrary opposition. तो sub contrary opposition में देखिए, I proposition जो है वो O proposition में convert होता है. तो I और O दोनों particular propositions है, तो आपको समझने में आसानी होगी. wordings पे ध्यान दीजिए, आपको wordings के साथ memorize करना है. relation between two particular proposition having same subject and predicate, same quantity but different quality is known as sub contrary opposition. मतलब same quantity और same subject और predicate है, लेकिन quality जो है वो different है. wordings पे मैं जोर दे रहा हूँ ताकि आप exam में ना भूले. तो in sub contrary proposition, inference can be both true at the same time, but it cannot be both false together. मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर में बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होते, लेकिन लॉजिक में कुछ भी हो सकता है. तो लॉजिक के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. इसका एग्जांपल ये सब कॉन्ट्ररी अपोजिशन. सो इन केस ऑफ सब कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन चेंजेस टू ओ प्रपोजिशन. सबअल्टर्न अपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए. इसमें देखिए ए डायगोनल, ए और आई, ये सबअल्टर्न प्रपोजिशन है, और ई प्रपोजिशन और ओ प्रपोजिशन के बीच में जो डायगोनल है उसको भी हम लोग सबअल्टर्न प्रपोजिशन मानेंगे. आप टॉप राइट कॉर्नर वाली छोटी सी डायग्राम को देखिए. सो रिलेशन बिटवीन द टू प्रपोजिशन हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, same quality but different quantity is known as subaltern proposition. When universal proposition is true, particular proposition is also true. मतलब अगर a proposition true रहेगा तो उसके opposite जो particular proposition है I proposition वो भी true रहेगा, और e proposition जो कि एक universal proposition है वो अगर ट्रू रहेगा तो उसके अपोजिट वाला ओ प्रपोजिशन जो कि एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन है वो भी ट्रू रहेगा. लेकिन अगर आई और ओ प्रपोजिशंस जो कि एक पर्टिकुलर प्रपोजिशंस माने जाते हैं वो अगर फॉल्स रहेंगे तो उसके अपोजिट वाले प्रपोजिशंस जो कि ए प्रपोजिशन और ई प्रपोजिशंस है दोनों फॉल्स माने जाएंगे, विच इज एग्जैक्टली वॉट आई हैव एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड. तो रिलेशन बिटवीन टू प्रपोजिशंस हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, same quality but different quantity is known as subaltern opposition. So ये question आपका पूरा हो जाता है. ये question काफ़ी theoretical नहीं है, आपका ये practical question है. अगर आप ये diagrams अच्छे से समझ गए तो आपको top right corners में जो diagrams दिख रहे हैं उनको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप पूरी तरह से ये questions को solve कर पाएंगे. ये question आपका एक cash cow माना जाएगा. ये क्वेश्चंस खाली डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है. तो 12 मार्क्स आपके श्योर शॉट आ जाएंगे. 12 मार्क्स में से टीचर्स आपको 8 से 9 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स तक दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आपका कैश काउ रहेगा. आप ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला फिगर है इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको 12 में से 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. और ये फिगर आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए. तो इन द एग्ज़ाम्स आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं बता देता हूँ. तो ये अपोजिशन और प्रपोजिशन का जो क्वेश्चन है 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और हर इसमें 5 डायग्राम्स है, तो हर कंपोनेंट को आप 5-5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. तो मैं आज इंडक्शन पे लेक्चर कवर कर सकता था, लेकिन इंडक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपोजिशन और प्रपोजिशन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है. तो स्टे ट्यून फॉर मोर, और मैं इंडक्शन का क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.
Please like, share and subscribe to my channel.